आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता मूंग की दाल का चीला। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इसमें हम मूंग की दाल का पहले बैटर बना के और उससे पतले पैनकेक्स बनाएंगे। उसके बाद उसमें कुछ फिलिंग डाल के और कुछ मसाले डाल के उसको और भी स्पेशल बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम कुछ ड्रॉप्स घी का यूज़ करेंगे। तो अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं ये लाइट नाश्ता। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। यहाँ पे एक कटोरी दाल ली है मैंने। इसे हम अच्छी तरह से धोकर और पानी में भिगोकर रख देंगे एक घंटे के लिए। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगोना है इसे, तो इस तरह से मैंने भिगो के रख दी थी। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर में डाल दिया है। इसमें ऐड करेंगे एक पीस अदरक और एक हरी मिर्च, साथ ही हम डालेंगे नमक। यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, केवल एक चौथाई कप डाला है मैंने। और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और हरा धनिया फ्रेश, यहाँ पे एक टेबलस्पून डाला है मैंने। एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। अभी जो ये बैटर है ये एकदम स्मूथ है लेकिन थोड़ा गाढ़ा है, तो पैनकेक बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसे पतला करना होगा। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। अब इसे फिर से चेक करें, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इन पैनकेक्स को और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच चावल का आटा। तो इससे ये और क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तब भी ये चीले बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब इसे चेक कर लेते हैं, ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है ताकि हम इजीली पैनकेक को स्प्रेड कर पाएं। अब एक तवे को अच्छी तरह से ग्रीस करके और गरम कर लेंगे। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तो उस पे डालेंगे ये बैटर और पतले पैनकेक्स तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत अच्छा बना है तो ये इजीली बन रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। अब इस पे ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं, टर्न करेंगे और दोनों साइड से हल्का सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, आप ध्यान रखें कि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो अब हम इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे। तो ग्रेट करके पनीर डाल देते हैं। थोड़ा सा पनीर डाला है मैंने और चिली फ्लेक्स, साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। तो इस चीले का टेस्ट बहुत ही स्पेशल होता है। बस ये तैयार है सर्विंग के लिए। तो आपने देखा कि इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार आप बैटर तैयार कर लें और उसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जैसी ज़रूरत हो आप इस तरह से पैनकेक तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पैनकेक्स भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ ग्रीस करने के लिए, और बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स घी आप लगाएंगे, उतना ही काफ़ी होता है इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत हेल्दी भी है। पनीर की स्टफिंग डाल देते हैं, ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ऐड करेंगे और हरा धनिया डाल के और इसे सर्व करें। तो ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी है और हेल्दी है, और ये सभी को बहुत पसंद आती है। साथ ही हमने इसमें डाला है थोड़ा सा चावल का आटा, तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। आप चाहें तो उसके बिना भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये फटाफट से बनने वाली हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। इन चीलों को आप दूसरी तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अगर आपका बैटर पहले से तैयार हो तो आप फटाफट से बहुत सारे पैनकेक्स बना के तैयार कर सकते हैं, और जो हमने इसमें स्टफिंग करी है उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो स्टफिंग हल्की ही रखें, बहुत ज़्यादा हैवी स्टफिंग ना करें। तो इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ऐसे में आप राइस फ्लावर को स्किप करें और इसे केवल दाल से बनाएं। तो इसमें है ढेर सारा प्रोटीन और एकदम लाइट और हेल्दी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही हेल्दी टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।